स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। तो लगातार आप देख रहे हैं जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि पांचवा चरण वोटिंग शुरू हो चुकी है, 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। और इस बीच बड़ी जानकारी क्या है ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे इंडिया न्यूज के ब्रेकिंग सेंटर का। मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपशिका मौजूद है। दीपशिका, क्या जानकारी है? बिल्कुल आयुष, मैं आपको बता दूं कि गोंडा से एक बड़ी जानकारी आ रही है। यहाँ पर आपको बता दूं कि विशेष जो बूथ है, पोलिंग बूथ है, यहाँ पर ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है। वीरपुर विशेष पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। बूथ पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हो सका है और लगभग आधा घंटा हो गया है, इसके बाद भी अभी तक मतदान यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी भीड़ लगी हुई है। मशीनों को बदलने में प्रशासनिक अमला लगातार जुटा हुआ है। मशीन को रिपेयर किया जा रहा है लेकिन अभी तक मशीन ठीक नहीं हुई है और इसी की वजह से जो लोग यहां पर वोट कास्ट करने के लिए आए थे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो काफी घंटों से यहां लाइन में लगे हुए हैं और जैसे ही नंबर आया तब मशीन खराब हो गई, उसमें भी आधा घंटा हो गया है और अभी तक मशीन ठीक नहीं हो पाई है। इसलिए काफी लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से वापस लौट चुके हैं। हालांकि 8 बज गए हैं, 1 मिनट बाकी है, ऐसे में अभी तक यहाँ पर मतदान शुरू नहीं हो पाया तो बड़ी बात है क्योंकि गोंडा एक विशेष सीट है अपने आप में और यहाँ वीरपुर विशेष पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। गोंडा की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर वीरपुर विशेष पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर मतदान नहीं शुरू हो पाया है। 30 मिनट बीतने के बाद भी मतदान शुरू नहीं हुआ है और मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है लेकिन अभी तक वोट कास्ट शुरू नहीं हुआ है। हालांकि मशीन को ठीक करने की कोशिश जो है, कवायद जो है, लगातार की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जहां आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ लग गई है, लोगों में काफी गुस्सा भी है क्योंकि काफी देर से इंतजार किया जा रहा है लेकिन अभी तक यहां पर वोट कास्ट नहीं हो पाया है। गोंडा जहां 7 विधानसभा सीटें हैं और सातों के सातों बीजेपी ने जीती थी पिछली बार अगर बात करें, और गोंडा की अगर बात करें तो ये डॉन। चलिए इस बीच अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। अभिषेक, क्या जानकारी है? मतदान केंद्र में मतदाताओं की भीड़ लगी है लेकिन पिछले 30 मिनट से मतदान बाधित है। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो अभिषेक तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही लेकिन बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। बूथ पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हो सका है। वीरपुर बिसेन ये पोलिंग स्टेशन है और यहां पर जो पिछले आधे घंटे हैं मतदान यहां पर प्रभावित है। हालांकि लगातार अधिकारी लगे हुए हैं इसको सही करने के लिए और लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि पोलिंग स्टेशन पर आप देख रहे हैं कि भीड़ है लेकिन ईवीएम खराब हो रखी है। तो वहीं गोंडा में हमारे सहयोगी ने मतदान केंद्र का जायजा लिया है, देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस समय वीरपुर बिसेन पोलिंग स्टेशन पर है। आप देख सकते हैं ये वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना था लेकिन मतदान में ईवीएम मशीन में कुछ टेक्निकल इशू आया है जिसको लेकर 30 मिनट से ज्यादा का समय बीत गया है और अभी तक इस बूथ पर मतदान नहीं शुरू हो सका है। साफ तौर से तस्वीरें देखी जा सकती है जिस तरीके से इस बूथ पर महिला पुरुष लोगों की लंबी कतारें हैं और अभी तक इस बूथ पर मतदान ना शुरू होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। और अभी आम लोगों से भी बात करेंगे कि इस बूथ पर कितनी दिक्कत आ रही, मशीन नहीं शुरू पाया। क्या नाम है आपका? उमर इरफान। ये बताइए यहाँ पे बूथ पर मशीन कोई गड़बड़ है, क्या दिक्कत है, मतदान नहीं शुरू पाया? मालूम नहीं सर, ये तो मैं नंबर में लगा रहा था। हाँ, और भी लोग हैं इनसे बात करेंगे कि महिलाएं हैं बता रही कि मशीन की कोई दिक्कत है इसकी वजह से मतदान नहीं शुरू पाया। क्या नाम है आपका? खुशबू। ये बताइए क्या दिक्कत है, हम मतदान नहीं शुरू, मशीन गड़बड़ है इसमें। तो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? लोचा लग रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साफ तौर पर ये लोग बता रहे हैं कि मशीन खराब है और इससे कुछ टेक्निकल इशू हुई है और ठीक कराने में जुटे हैं लेकिन अभी तक इस बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ सका है। साफ तौर पर तस्वीरें देखी जा सकती है। इंडिया न्यूज की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है और साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो प्रशासन दावे कर रहा था कि हम पूरी व्यवस्था में है, कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है और जिसकी वजह से मतदान शुरू नहीं हो सका। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा किस तरीके से प्रशासन इसको कितना जल्दी इस मशीनों को ठीक करा पाता है और सुचारू रूप से इस बूथों पर मतदान हो सकेगा। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। तो मतदान शुरू हो चुका है लेकिन आप देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से यहां पर जो मतदान है वो प्रभावित है और इसी तरह की जो तमाम जानकारियां हैं कुछ अलग अलग बूथ से भी आई हैं। हालांकि लगातार प्रशासन लगा हुआ है कि तत्काल इनको सही किया जाए क्योंकि लगातार लोग निकल रहे हैं बाहर और भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो अभी से ही आपको दिखनी शुरू हो गई है। तो मतदान को लेकर के उत्साह है
और इसलिए आप ये जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहां पर ईवीएम को लेकर के किसी तरह की कोई शिकायत ना हो, इसके लिए प्रयास लगातार हो रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों से जानकारी जरूर आ रही है कि ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान काफी देर से प्रभावित है, खासतौर से गोंडा के अंदर। आप ये जो बूथ था यहाँ पर अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि ईवीएम खराब है और उस वजह से पिछले आधे घंटे से यहाँ पर मतदान रुका हुआ है। तो पांचवां चरण है, 61 सीटें हैं जहां पर मतदान शुरू हो चुका है और एक बार फिर से जनता इस बार अपना जो मत है वो डालने के लिए पहुंची है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या जानकारी है अभी फिलहाल पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही थी, अपडेट क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि मतदान केंद्र पर जो है पिछले आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया है, जबकि यहाँ पर जो लोग हैं वो कतारों में लगे हुए हैं और अपने मतदान करने की लाइन में लगे हुए हैं और वो अपने मत का प्रयोग करना चाह रहे हैं। लेकिन जो है कुछ ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण जो है तकरीबन 30 मिनट से जो है वीरपुर विशेष जो ये बूथ है पोलिंग स्टेशन, यहाँ पर लोग जो है अपना मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इसकी सूचना अधिकारियों तक दे दी गई है और इसके लिए जो है टेक्निकल टीम वो रवाना हो गई है और जो यहाँ पर मौजूद कर्मचारी हैं वो फिलहाल इसको ठीक करने कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकल खामियों को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो टीम है वो पहुंच करके इस ईवीएम को जो है जांचेगी और क्या कारण है उसके पीछे, क्या खामियां हैं उनको जांच करके तत्काल प्रभाव से जो है जो वोटिंग रुकी हुई है उसको सुचारू रूप से चालू करने के प्रयास करेगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए अब अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। राकेश सोनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कौशाम्बी से और इसके अलावा अजीत हमारे साथ प्रतापगढ़ से मौजूद हैं। अजीत, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। प्रतापगढ़ पर इस बार निगाहें बहुत हैं और खासतौर से राजा भैया समेत कई और भी यहां पर दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो कुंडा सीट की ही है। इस समय फिलहाल अपडेट आपके पास क्या है और प्रतापगढ़ में मतदान को लेकर किस समय की क्या ताजा स्थिति है, इसको लेकर जानकारी है उसको अपडेट करें आप। अजीत, आप एक बार अनम्यूट करें, मुझे लग रहा है शायद आपकी ऑडियो म्यूट है। चलिए अजीत, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, मैं राकेश का तब तक रुख कर लेता हूं। राकेश, आपके पास क्या जानकारी है? कौशाम्बी भी बहुत चर्चा का विषय है, खासतौर से सिराथू और तमाम जो वहां पर विधानसभा क्षेत्र है उनको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। फिलहाल अपडेट क्या है और मतदान को लेकर उत्साह क्या है? चर्चित सिराथ मानी जा रही है। अगर यहाँ मतदान को लेकर उत्साह की बात करें तो सबसे बड़े देश के सबसे बड़े पर्व में कौशाम्बी में सिराथू तहसील क्षेत्र के लोग बड़े उत्साह से मना रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं सिराथू विधानसभा के ही कड़ा पुलिंग बूथ पर, जहाँ आप खुद तस्वीरों से देख सकते हैं कि यहाँ से सुबह से ही लोग लाइन पर लग गए और लोगों के प्रति मतदान करने में कितना उत्साह है। और सबसे बड़ी बात यही है यहाँ की सुबह से ही लोग लाइन पे लगे हुए, वोटिंग शुरू नहीं हुई उससे पहले ही यहाँ पे छह बूथ बनाए गए हैं पोलिंग स्टेशन पे। छह पोलिंग बूथों पे लंबी कतारें लगी हुई, लोगों के प्रति देख लग रहा है कि लोग अपने मत अधिकार को प्रयोग करने के लिए कितना उत्साहित है। जिससे और यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो अर्धसैनिक बल के साथ साथ भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की अराजकता न फैला सके। बिल्कुल अजीत, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो जरा बताएं वहां पर प्रतापगढ़ में समय मतदान को लेकर के क्या स्थिति है। बिल्कुल, प्रतापगढ़ में मतदान जो है लगभग 7 बजे से स्टार्ट हो गया है। लोगों की कतारें जो है धीरे धीरे लग रही है, लोगों को उत्साहित है और यहां पे लगातार लोग वोट के लिए मतलब घरों से निकल रहे हैं और मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कुंडा राजा भैया की सीट है और उनके अगेंस्ट में सपा गुलशन यादव खड़े हुए हैं और वहां पे रामपुर खास में सीएपी लीडर प्रमोद तिवारी की बेटी मोना है जो कांग्रेस की है और पट्टी से राजेन प्रताप सिंह मोती सिंह है भाजपा से हैं। और वहीं कांटे की लड़ाई अगर देखी जाए तो रामपुर खास में इस बार भाजपा से उम्मीदवार छोटे सरकार है, उन्होंने कांटे की टक्कर दी हुई है। लोगों में बदलाव की स्थिति लगी हुई है कि लगातार लोग वोट दें और बदलाव लाएं। और राजेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ जो है वहाँ राम सिंह पटेल है, ददुआ के भतीजे हैं, बड़े बिल्कुल अजीत, वापस आऊंगा मैं आपके पास थोड़ा सा और इन चुनावी समीकरण को समझेंगे, लेकिन प्रताप गढ़ की क्या और जानकारी ये भी आपसे जानेंगे। इससे